हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। तो दोस्तों, अभी अभी मैं आ रहा हूँ झारखंड रांची, जो टाइपिस्ट वाला पेपर था वो दे करके। और वहाँ पे जब मैं पेपर देने गया तो आप में से कई सारे सब्सक्राइबर मिले जिनसे बातचीत हुई, और जिन जो भी हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने बताया कि हाँ, आपने जैसा बताया था सेम टू सेम वैसी ही सारी चीज़ें आई। अब तो मुझको एकदम रट गई है चीज़ें कि बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, वर्स हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे, और कीबोर्ड कौन सा आएगा डेल का। तो जब मैं पेपर देने पहुंचा हूं अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, और जिस हिसाब से मैंने जो जो चीज़ें बताई थी सेम टू सेम सारी चीज़ें वही थी, जितनी चीज़ें बताई थी उसमें से एक भी चीज़ गलत नहीं हुई। और बहुत ही अच्छा लगा मुझको ये जान करके कि मेरे वीडियो से आप लोगों की काफ़ी हेल्प होती है। आगे भी मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को पूरा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सारी जो भी क्वेरी रहती है वो क्लियर हो जाए, सारे डाउट क्लियर हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मदद हो पाए। अब पहले बात करता हूँ आज जो टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा आया था। तो दोस्तों, जो इंग्लिश टाइपिंग थी उसमें जो 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना था, और उसमें बहुत सारे बच्चे, लगभग अगर हम लोग मतलब मेरी रो में 10 बच्चे बैठे थे, मतलब 10 सीट थी, और उसमें से शायद 2 या 3 एब्सेंट थे, तो 7 लोगों में से सिर्फ इकलौती मेरी ही टाइपिंग पूरी रिपीट हो पाई। इंग्लिश हिंदी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी वीडियो देख रहा है अगर वो बगल अगर बैठा होगा तो उसको पता होगा, और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी देगा। और जो इंग्लिश टाइपिंग थी उसमें बच्चों का जो लाइन छूट रहा था या रिपीट हो रहा था उसके पीछे जो रीज़न था वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे जब मैंने इंग्लिश टाइपिंग चालू की तो मैंने देखा कि उसमें एक लाइन थी जिसमें लिखा था 3 and 3 = 6, और उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन में भी लिखा था 3 and 3 = 6। तो ये दोनों लाइन एकदम सेम टू सेम लगती है, तो आदमी ऊपर से नीचे यानी एक 3 से दूसरे 3 पे जंप कर जा रहा था। तो ये चीज़ होना बहुत स्वाभाविक सी बात थी, और ये जो मतलब टाइपिंग का जिसने भी पेपर सेट किया हुआ था वो जानबूझ के ऐसा किया था कि आप लोग एक 3 से दूसरे 3 पे जंप कर जाएं। बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी होगा, तो जिसने भी किया होगा तो उसका तो दिक्कत हो ही गई होगी, क्योंकि एरर परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इससे हाई हो जाता है। और बात करूँ स्क्रॉल करने टाइम की, तो जो स्क्रॉल करने के बाद नीचे की 3 लाइन बच रही थी इंग्लिश टाइपिंग में, तो जो नीचे वाली लाइन थी वो आधी कटी हुई थी। वो लाइन आधी कटी हुई थी जब आप स्क्रॉल करके नीचे पहुँचेंगे, तो वो वाली लाइन जो आधी कटी हुई थी वो लाइन भी नीचे मिल रही थी। तो उससे ये हो रहा था जैसे अगर आपने ऊपर लाइन वाली टाइप कर दी थी तो बहुत से बच्चे वही वाली लाइन दोबारा भी टाइप किए। तभी मैं नहीं समझ पा रहा था कि कैसे आदमी की लाइन रिपीट हो जा रही थी, लेकिन जब वहाँ गया मैं टाइप दिया तब मुझे समझ में आया कि हाँ, जो स्टूडेंट्स थे उनको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी चीज़ें मैं अपने एग्ज़ाम तो दे ही रहा था, प्लस ये सारी चीज़ भी ऑब्जर्व कर रहा था कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही थी और क्यों दिक्कत आ रही थी। तो इस दिक्कत का दोस्तों कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, बस आपको एकदम अवेयर होकर के टाइप करना था, और जो भी ऐसे किया होगा उसकी टाइपिंग 100% क्वालिफाई हुई होगी। अब बात करें जिसकी इंग्लिश टाइपिंग छूट गई है उसका क्या होगा। तो दोस्तों, झारखंड अपना क्राइटेरिया नहीं बढ़ाएगा, ये मैं आप लोगों को एकदम श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भरे हैं फॉर्म। लगभग आज जब मैं पेपर देने गया, तो जब भी आप लोग भी पेपर देने गए होंगे तो वहाँ पे एक सर थे जो आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन बता रहे थे कि कैसे क्या करना है। उन्होंने बताया कि हम लोगों से पहले 35 शिफ्ट का पेपर हो चुका था। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अगर 400 बच्चे भी अगर एक शिफ्ट में होंगे दोस्तों, क्योंकि लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, लैब 5, 5 लैब दिए हुए थे। अब बच्चे कितने थे ये तो मैं भी एकदम एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन 35 शिफ्ट का पेपर हो चुका था, 36वीं शिफ्ट जो थी वो मेरी थी। तो भाई लोग, बहुत से लोगों को इस वाले कीबोर्ड में, हालांकि कीबोर्ड तो मुझको भी यही वाला मिला था और इसी को मैंने प्रैक्टिस भी की थी, मंगल टाइप सीखते हुए मैंने इसकी प्रैक्टिस चालू की थी
सिर्फ 5 महीने में मैं भी 30+ स्पीड में गया था। बाकी सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को आगे डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन कीबोर्ड सेम टू सेम यही आया था। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको इसके अलावा कोई कीबोर्ड मिला हो। कई बच्चों को दिक्कत ये हो रही थी कि वो बता रहे थे कि उनका कीबोर्ड हार्ड है, तो फिर ये चीज़ सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही अपने वीडियोज़ में बता दी थी कि हाँ ऐसा होने वाला है, आप लोग उस हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा। तो इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की थी, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से करनी थी आप लोगों को, और उसको अगर आप लोगों ने रिपीट नहीं किया, सिर्फ अगर क्वालिफाई भी कर लिया तो भी आप लोगों का जो हिंदी वाला है मेरिट उस पर बननी है। तो जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया उन सभी को तो बहुत अच्छी बात है, उनकी तो हिंदी की जब मेरिट आएगी रिजल्ट आने पर पता ही चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और जिनका नहीं हो पाया है दोस्तों, तो उनको मैं पहले से बताऊंगा कि कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि झारखंड अपना क्राइटेरिया नहीं गिराने वाला है। जिसकी छूट गई है वो अपना दूसरे पेपर की तैयारी अभी से ही चालू कर दे। तो अब बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग की। तो भाई लोग, हिंदी टाइपिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। अगर किसी की 30 वर्ड पर मिनट की भी स्पीड है तो भी वो वहाँ पे आराम से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड ला सकता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंग्लिश में जिसकी 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी, सिर्फ वही 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड अच्छे से वहाँ पे लेके आया होगा, क्योंकि वहाँ पे वर्ड के हिसाब से काउंट था, की स्ट्रोक के हिसाब से काउंट नहीं था। हिंदी टाइपिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अल्ट कीज का जो यूज़ होता है वो नहीं हुआ था। मेरे में सिर्फ 2 ही वर्ड ऐसे आए थे जिसमें मुझे अल्ट कीज का यूज़ करना पड़ा था। एक आया था क्रा, जिसके लिए कोड लगता है Alt 216, और एक आया था आधा का और ता, जैसे मुक्त लिखना होता है तो का और ता एक साथ होता है, तो इसका जो कोड होता है Alt 228, एक ये वाला वर्ड आया था। तो इस हिसाब से सिर्फ 2 ही बार मुझको अल्ट कीज का यूज़ करना पड़ा था, मतलब ऐसे 2 वर्ड आए थे, हो सकता है 1-2 बार रिपीट किए हो तो 2-4 बार करना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अल्ट कीज का यूज़ मेरे में नहीं था। तो हिंदी टाइपिंग की बात करूँ तो वो भी हो गई मेरी कंप्लीट, और उसमें भी मैंने रिपीट कर दिया है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर पाया हूँ मैं हिंदी टाइपिंग में, सिर्फ मैं 2 ही लाइन रिपीट कर पाया हूँ। और लेकिन मैंने जितनी भी टाइपिंग की है उसमें मेरी गलती 1 भी नहीं है, मतलब ना के बराबर है। मैंने जब मुझे मेरी जो शीट होती है इंग्लिश टाइपिंग की और हिंदी टाइपिंग की, जब मैंने दोनों मिलाई तो इंग्लिश टाइपिंग भी मेरी, इंग्लिश टाइपिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इंग्लिश टाइपिंग में मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 गलती आई है, वो भी इस वजह से क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया था। हालांकि टाइप मैंने वो 2 वर्ड भी किए थे, वो भी एकदम लास्ट लाइन का वर्ड था, तो कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने 400 वर्ड एकदम नन मिस्टेक के हिसाब से कर लिया था टाइप। अब बात करो हिंदी टाइप की, तो हिंदी टाइपिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने 2 लाइन रिपीट करी, और हिंदी टाइपिंग में भी मेरी मैक्सिमम 3 मिस्टेक आई होगी, उससे ज़्यादा नहीं आई होगी। और बाकी अब जो झारखंड हाई कोर्ट है, जिस भी हिसाब से उसको कॉपी चेक करनी होगी, वो तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाएगा और ना ही हो पाया है कि उसका मेथड क्या रहेगा, 90 मार्क्स की जो टाइपिंग है वो किस हिसाब से नंबर देंगे काटेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने 2 बार रिपीट किया है, बहुत से लोगों ने, मतलब हिंदी टाइपिंग तो कई लोगों ने रिपीट की है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिसकी इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई है उसके हिंदी टाइपिंग रिपीट करने का कोई भी मतलब नहीं है। जिन्होंने दोनों टाइपिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों टाइपिंग जिसकी निकली होगी रिपीट किया होगा, सिर्फ वही बच्चे इंटरव्यू की उम्मीद रखे। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आप वेट करेंगे इसके रिजल्ट का और इंटरव्यू में जिसको भी बुलाया जाएगा उन सब चीज़ों का। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो जब रिजल्ट आने वाला होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा रिजल्ट की, और इंटरव्यू वाला भी जब आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। और चलिए इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को एंड। आप लोग भी जिनका एक दिन और, मतलब कल 3 तारीख है, 3 तारीख को भी बहुत से बच्चों का पेपर होने वाला है, तो वो भी पेपर अच्छे से दीजिएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ हद तक मदद मिलेगी, तो आप लोग भी अपना पेपर दे करके आइए, और उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। चलिए ठीक है, इसी के साथ करता हूँ वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।